तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस वार्डरोब के एक बहुत ही स्टाइलिश वियर टी शर्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल्स, टिप्स एंड टाइप्स फॉर टी शर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक सिंपल वेल फिटेड टी शर्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। आई नो आजकल ओवरसाइज टी शर्ट भी काफी ट्रेंड में है, बट आज की इस वीडियो में मैं आपसे ओवरसाइज वियर पर डिस्कस नहीं करूंगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की फैशन रिलेटेड वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे एंड आपका स्टाइल गेम यूं ही अपग्रेडेड रहे। सो कम बैक टू अवर टॉपिक। तो सबसे पहले बात करेंगे एक परफेक्ट टी शर्ट की फिटिंग एंड लेंथ के बारे में। तो एक परफेक्ट टी शर्ट आप पर वेल फिटेड होनी चाहिए एंड परफेक्ट फिटिंग की मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से है। आप सबसे पहले शोल्डर लाइन को देखें जो कि आपके कंधों पर जस्ट एंड होनी चाहिए, तभी वो आपके लिए परफेक्ट फिट होगी। अब बात करें चेस्ट एरिया की, तो टी शर्ट का चेस्ट एरिया आपकी चेस्ट पर थोड़ा सा फिटेड होना चाहिए एंड इसके नीचे स्टमक एरिया थोड़ा सा लूज होना चाहिए। एंड स्लीव्स की लेंथ की बात करें तो स्लीव्स आपके ट्राइसेप्स एरिया पर ही एंड होनी चाहिए, बट इन केस अगर आपकी टी शर्ट वेल फिटेड है बस स्लीव्स की लेंथ ही बड़ी है तो ऐसे में आप उन्हें फोल्ड भी कर सकते हैं जो कि स्टाइलिश भी लगता है। अब अगर ऑल ओवर लेंथ की बात करें तो आपकी टी शर्ट की लेंथ आपके पैंट के जिपर के मिडल तक होनी चाहिए। अब बात करेंगे आपको टी शर्ट बाय करते टाइम कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक कलर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक कलर की टी शर्ट है तो फिर आप अदर ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको ज्यादातर प्लेन टी शर्ट ही में ही इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज वो ज्यादा वर्सेटाइल होती है एज कम्पेयर टू प्रिंटेड एंड ग्राफिक टी शर्ट। अब बात करेंगे टाइप्स की, तो मार्केट में बहुत सी टाइप की टी शर्ट अवेलेबल है लाइक क्रू नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, हैंडले टी शर्ट एंड मैंड्रीन कॉलर टी शर्ट। अगर आपको टी शर्ट में कुछ डिफरेंट वे में स्टाइल करना है एंड और भी ज्यादा हटके दिखना है तो आप टी शर्ट में कुछ और भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, बट आपको इनमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके पास बेसिक टी शर्ट पहले से ही हो। सो इसमें आप ऐसी कलर ब्लॉक टी शर्ट ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉकेट स्टाइल टी शर्ट भी आजकल ट्राई कर सकते हैं जो कि काफी ट्रेंड में है एंड आप ऐसी स्ट्राइप वाली टी शर्ट भी ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो हाफ स्लीव्स की जगह फुल स्लीव्स भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ टी शर्ट वियर करने में आपके लिए बोनस टिप ये रहेगी कि आप जब भी टी शर्ट को वियर करें उसके साथ कुछ एक्सेसरीज लाइक रिंग्स, नेकलेस, गॉगल्स, वॉचेस एक्सेट्रा कैरी करें जिससे कि आप थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं एंड मोर स्टाइलिश लगते हैं। एक्सेसरीज के बाद बात करेंगे अब लोअर वियर की, तो टी शर्ट मोस्टली एक कैजुअल वियर है तो आप इसे चिनोज, जीन्स एंड शॉर्ट के साथ इजिली कम्बाइन कर सकते हैं। एंड अगर फुटवियर की बात करें तो इसमें आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि आप थोड़े स्टाइलिश बूट्स ही प्रेफर करें बिकॉज टी शर्ट एक सिंपल वियर है एंड आजकल हर कोई इसे वियर करता है, तो ऐसे में फुटवियर की हेल्प से आप ज़्यादा स्टाइलिश लग सकते हैं। आप बूट्स, स्नीकर्स, हाई नेक एंड लोफर जैसे शूज ट्राई कर सकते हैं। तो या दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन, सायोनारा।